हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी फिर से बिगबिनास वेंडर एप्लीकेशन में रेस्टोरेंट को कैसे रजिस्टर करना है। पहले तो हमें जाना है बिगबिनास वेंडर एप्लीकेशन पर। बिगबिनास वेंडर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करनी है। अब पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हो तो आप क्लिकेट लॉगिन पर जाके ऐड प्रोडक्ट जो भी आपका काम है ना, आप उसमें कर सकते हो। मैं आपको न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करके बताती हूँ। ये आ गया रजिस्टर्ड पे। यहाँ पर आपको नेम एंटर करनी है, जो भी आपका नेम होगा उसे यहाँ पर एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको ईमेल एंटर करनी है फ्रेंड्स, देन यहाँ पर फोन नंबर एंटर करना है। देन यहाँ पर ओटीपी आपके फोन नंबर पर पहुंच जाएगी, फोन ओटीपी एंटर करनी है। नेक्स्ट टाइम पर पासवर्ड क्रिएट करना है, देन रजिस्टर। ये हो गया रजिस्टर। आपको थ्री लिस्टिंग दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट क्लिक करती हूँ मैं स्टोर लिस्टिंग पर। यहाँ पर आपके जो भी रेस्टोरेंट्स यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो। योर शॉप नेम एंटर करना है, जो भी आपका रेस्टोरेंट नेम होगा यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन यहाँ पर शॉप कैटेगरी, जो भी आपकी शॉप कैटेगरी होगी ना उसे यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन यहाँ पर आपकी करंट लोकेशन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड। देन आपकी स्टेट को सिलेक्ट करनी है, देन यहाँ पर आपकी जो भी सिटी होगी उसे यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन आपकी एरिया को एंटर करना है और नेक्स्ट एंटर एड्रेस, एड्रेस एंटर करना है। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सेलेक्ट पैन या आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्टेड, अपलोडेड, देन ट्रेड लाइसेंस को एंटर करना है। जो भी आपके पास ट्रेड लाइसेंस होगी स्टोर की, रेस्टोरेंट की, देन यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन यहाँ पर आपको SSCAI लाइसेंस को अपलोड करनी है। आपके पास हो तो अपलोड कर सकते हो, आपके पास ना हो तो आप करंट बिल को भी यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ, देन यूर स्टोर फोटोज को यहाँ पर अपलोड करनी है, जो भी आपका रेस्टोरेंट की फोटो होगी ना। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर ऐड फोटो करनी है, यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है स्टोर की। अपलोडेड स्टोर मीन्स रेस्टोरेंट ऐड करना हम अब यहाँ पर, देन रजिस्टर। ये हो गया एक्शन कंप्लीटेड, रजिस्टर्ड हो गया है। एक्सप्लोर ऑर्डर पेज आपको ये इंटरफेस दिख जाएगा। ऑल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, कंफर्म्ड ऑर्डर्स और डिलीवर्ड ऑर्डर्स और टोटल प्रोडक्ट्स और मेंबरशिप के बाजू में जो आपको राउंड सर्कल दिखा रहे ना, यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन डेज मिल जाएंगे। और ये जो बेल आइकन वाला बटन है, आइकॉन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। देन यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको शेयर वाला जो एरो वाला बटन दिख रहा है ना, यहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हो। देन ऊपर टॉप में जो थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इस पर क्लिक करने से आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। जो ग्रीन लेबल वाला यहाँ पर एक्टिव सेट दिखा रहा है ना, इस पर क्लिक करने से आप स्टोर पर अवेलेबल हो करके कस्टमर ऐप में दिखाई देगा। अगर आप इनएक्टिव करते हो तो आप या छुट्टी पर हो या फिर तो बिजी हो तो आप इनएक्टिव भी कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग करनी है। प्रोफाइल सेटिंग में मैं आपको दूंगी फर्स्ट डिलीवरी ऑप्शन दूंगी, देन यहाँ पर जितने किलोमीटर सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हो, जिससे रेस्टोरेंट आप जितनी दूरी पर आप सर्वर पर दिखाना चाहते हो
दिखा सकते हो, जैसे कि 3 या 5 जितना भी चाहे तो सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हो। देन डिलीवरी चार्जेस, जो भी डिलीवरी बॉय होगा उसके लिए तो डिलीवरी चार्जेस लगते ही है ना, तो फिर तो डिलीवरी चार्जेस एंटर करनी होगी। देन अगर फ्री डिलीवरी है वो, अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में अगर कॉम्बो पैक लेगा, वो लेगा, ये लेगा, अगर कुछ ज़्यादा डिमांड वाले फूड्स को लेंगे तो आप उस कस्टमर को फ्री डिलीवरी भी दे सकते हो। हाई ऑर्डर्स वाले कस्टमर को फ्री डिलीवरी भी दे सकते हो। देन अपडेट, अपडेट हो चुका है। देन ऐड प्रोडक्ट करनी है, यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड करना है। जितना प्लेट चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। ये हो गया। देन यहाँ पर सब कैटेगरी, ये हो गया। ओरिजिनल प्राइस जितनी है यहाँ पर एंटर करनी है। देन डिस्काउंटेड प्राइस, आप डिस्काउंट देना चाहते हो तो डिस्काउंट प्राइस एंटर कीजिए। देन यूनिट, देन यहाँ पर स्टॉक, आपके पास जितना स्टॉक है तो यहाँ पर एंटर करिए। देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप जो भी प्रोडक्ट ऐड किया है ना उसको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में लिखी है। ये हो गया डिस्क्रिप्शन। देन ऐड करनी है आपको फोटो, ये हो गई ऐड ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एडेड, ओके ऐड हो चुकी है प्रोडक्ट, हो गई प्रोडक्ट एडेड। नेक्स्ट मैं आपको फिर से ऐड प्रोडक्ट करके बताती हूँ। मसाला डोसा ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, डोसा। अपडेटेड, डन। नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट वाली लाइन पर आपको ऐड करनी है वेज और नॉन वेज, जो भी कैटेगरी होगी इसकी यहाँ पर ऐड करना है। देन इसका ओरिजिनल प्राइस लिखना है। देन डिस्काउंट में जितना चाहते हो वो एंटर करिए। नेक्स्ट जितनी क्वांटिटी का इसका रेट है यहाँ पर यूनिट एंटर करनी है। देन स्टॉक जितना है आपके पास वो, देन डिस्क्रिप्शन, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। देन फोटो, फोटो एडेड, एड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एडेड, ओके प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। देन एडिट प्रोडक्ट्स में जाकर आप एडिट भी कर सकते हो। देन ऑर्डर्स पेज पर जाके ऑर्डर चेक करना है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ रेटिंग्स, रिव्यूज पेज पर जाके रिव्यूज और रेटिंग्स को जो भी कस्टमर ने यहाँ पर दिया है आपको पहुँच जाएगी। देन सब्सक्रिप्शन, जो भी सब्सक्रिप्शन है ना आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ, आप शेयर भी कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन होगी 118 रुपीस वाली 30 डेज के लिए, 90 डेज वाली भी है, 180 वाली भी है। फर्स्ट तो हम फर्स्ट मंथ के लिए देंगे 30 डेज वाला 118 रुपीस का पैकेज, जिस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट होते हैं अपडेशन, 30 डेज वाला क्लिक करनी हूँ, पे नाउ। मैं क्लिक करती हूँ वायरलेस फ्री रिचार्ज पर। देन ओटीपी, जो भी ओटीपी होगी उसे एंटर कर दीजिए। देन वेरीफाई, फिर से हो रहा है वेरीफाई, हाँ एक्शन कंप्लीटेड और पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। आप 30 डेज के लिए सब्सक्राइब हो चुके हो, आपके पास 30 डेज है।
नेक्स्ट आप शेयर ऐप भी कर सकते हो और लॉग आउट करके लॉग इन भी कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको कस्टमर ऐप में जाके कैसे ऑर्डर देना है इस रेस्टोरेंट को, मैं बताती हूँ फ्रेंड। यहाँ पर कस्टमर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, मैं आप क्लिक करके बताती हूँ रेस्टोरेंट्स पर। रेस्टोरेंट्स में आपको यहाँ पर दुकान जो भी हमने ऐड किया है वो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हमने जो क्रिएट किया है यहाँ पर आ गया है। मैं अब इसे ऐड कार्ट करती हूँ, सक्सेसफुली ऐड है। कार्ड पर जाना है हमें, कार्ड पर जाके चेकआउट करनी है, जो भी एड्रेस होगी से यहाँ पर ले लेना है। कंटिन्यू, सक्सेसफुली ऑर्डर। ये ऑर्डर अब जो हमने क्रिएट किया है उस शॉप पर आ जाएगी। अब हमें ओपन करनी है वेंडर एप्लीकेशन, जो भी हमने ऑर्डर किया है ना यहाँ पर आ गया है मसाला डोसा 1 प्लेट करके। यहाँ पर आप लोकेशन भी देख सकते हो, प्रोडक्ट एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, प्रोडक्ट को ऑर्डर को एक्सेप्ट भी कर सकते हो अपने रेस्टोरेंट में, नहीं तो रिजेक्ट भी कर सकते हो। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कन्फर्म ऑर्डर्स में जाना है। कन्फर्म ऑर्डर्स में जाके कॉल नंबर डायरेक्ट भी उस कस्टमर से बात कर सकते हो, देन लोकेशन भी जान सकते हो। मैं करती हूँ कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो चुकी है, ये ऑर्डर पहुंच गया है, डिलीवर्ड हो जाएगा। डिलीवरी इसकी पहुंच जाएगी, ये प्रोडक्ट कंफर्म हो चुका है। अब नो ऑर्डर्स पर नो करके दिखा रहा है, कंफर्म्ड ऑर्डर्स में ये डिलीवरी हो जाएगी। ये हो गया फ्रेंड्स रेस्टोरेंट्स जैसे कैसे ऐड करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट सीरीज को भी देखिए और फॉलो कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।